नमस्कार, मैं आश्रुति और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। बात करेंगे योगी आदित्यनाथ को लेकर। उत्तर प्रदेश के मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ आखिर कब तक सीएम की गद्दी पर बैठे रहेंगे, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। लेकिन इसी बीच तमाम जो नेता एनडीए से बीजेपी से नाराज बताए जा रहे थे, वो नेता एक बार फिर योगी आदित्यनाथ की तरफ अपने पांव मोड़ते नजर आ रहे हैं। बात कर रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य की, बात कर रहे हैं अनुप्रिया पटेल की, अपर्णा यादव की, बृजभूषण शरण सिंह की, ओपी राजभर की। तमाम बड़े चेहरे जो लोकसभा चुनाव के बाद से ही अपने बगावती सुर अपनाने में हुए हैं, ये वही बड़े चेहरे हैं जो अब एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ के साथ समर्थन में खड़े हो सकते हैं, लेकिन डील बनाकर। डील ये कि योगी आदित्यनाथ आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में इनको और इनकी पार्टियों को बड़े मौके दें। बृजभूषण शरण सिंह, जिनको हाल ही में लोकसभा चुनाव के दौरान उनकी केसरगंज की सीट से सांसदी के पद से हटा दिया गया, टिकट नहीं दिया गया, उनके बेटे को टिकट दिया गया, बृजभूषण शरण सिंह नाराज हैं, कहते नजर आते हैं कहीं ना कहीं कि वो मात्र केवल अमित शाह और मोदी की राजनीति पर भरोसा करते हैं, योगी आदित्यनाथ की नहीं। दूसरी ओर अनुप्रिया पटेल की बात कर ली जाए तो कहीं ना कहीं आरक्षण घोटालों के मुद्दे उठाती हैं, पत्र लिखती हैं, योगी आदित्यनाथ का जवाब नहीं जाता। अपर्णा यादव को एक लंबे समय के बाद बीजेपी जिम्मेदारी देती है, लेकिन अपर्णा यादव जिम्मेदारी से खुश नहीं बताई जाती। ओपी राजभर से कहीं ना कहीं नाराजगी बताई जाती है, क्योंकि ओपी राजभर के बगावती सुर योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ उठते नजर आते हैं। दूसरी ओर अगर बात कर लिया जाए अनुप्रिया पटेल और तमाम वो बड़े चेहरे जो इस वक्त उठ रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य का भी अगर यहां पर जिक्र कर लिया जाए तो केशव प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं सीएम गद्दी की लालसा रख रहे हैं। ये तमाम वो बड़ी वजहें हैं जिन बड़ी वजहों के चलते नेता कहीं ना कहीं पार्टी का साथ छोड़ सकते थे, लेकिन अब एक डील के तहत ऐसा माना जा रहा है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबरें आ रही हैं कि एक डील के तहत ये तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो एक बार फिर से पार्टी में ही अपनी शरण आजमा सकते हैं, यानी एक बार फिर से पार्टी के साथ ही बन सकते हैं। एक बार फिर से कहीं ना कहीं अगर इस तौर पर देख लिया जाए तो एक बार फिर से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ ही अपने हाथ मिला सकते हैं। हालांकि देखना यह है हमें कि योगी आदित्यनाथ की जो गद्दी है आखिर वो कब तक सुरक्षित है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ को, बीजेपी आला कमान कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ पर बड़े पैतरे आजमा सकती है, बड़ी रणनीतिक तौर पे कहीं ना कहीं पैतरे आजमा सकती है। योगी आदित्यनाथ आखिर कैसे इन तमाम मुद्दों के साथ कहीं ना कहीं एक तरह से डील करते नजर आएंगे, ये देखना अहम होगा। फिलहाल अब आप क्या कहना चाहेंगे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़।